गुलाब बहुत ही खूबसूरत फूल और फूलों का राजा, और हर गार्डनर यही चाहता है कि उसके घर गार्डन में रंग बिरंगे गुलाब के फूल जो हैं वो खिले रहें। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ही पौधे से आप अलग अलग रंगों के फूल किस तरीके से ले सकते हैं, कैसे आप ग्राफ्टिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आखिर तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गार्डनिंग से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और ऑल बटन को, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। ये दोस्तों हमने एक ब्रांच ली है जो लगभग 1.5 से 2 फीट लंबी है, और ये ब्रांच जो है वो जंगली गुलाब की है, जो आपके इंग्लिश गुलाब में शकर निकलते हैं अगर वो बाई चांस ग्रो हो जाए गलती से और ऊपर का पौधा मर जाए, तो आपका जो ब्रांच है उसको आप एज इट इज़ ग्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का पौधा नहीं है तो आप जहाँ पर उगा हुआ हो, जैसे जंगली गुलाब, जहाँ पर गुलाब की बेल जो कि साल में एक बार बहुत छोटे छोटे फूल देती है, उस गुलाब की टहनी आपको लेनी है। मोटाई इसकी पेंसिल से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसको जो इसके ऊपर कांटे हैं वो सारे के सारे कांटे हम हटा लेंगे। हटाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको ग्राफ्टिंग करनी है। ग्राफ्टिंग करने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सा भाग ऊपर की तरफ है और कौन सा नीचे की तरफ। तो लीफ नोड के ऊपर ये जो आपको लीव नोड दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाएगा और जो नीचे का पार्ट है वो मिट्टी में जाएगा। अब हमें एक बड लेना है, इस तरीके से हम जो बड है वो निकाल लेंगे अपने किसी भी, जैसे रेड और येल्लो में दो कलर जो है इसके ऊपर ग्राफ्ट करने वाला हूँ। तो आप 3, 4, 5 कलर भी ग्राफ्ट कर सकते हैं, जितने आपके पास पौधे हों, कलर हों, उस हिसाब से आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, टी बनाना है। पहले ऊपर से इस तरीके का कट लगाएंगे, जो आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं जिस टूल से, जिस चाकू से, उसकी तेज़ धार होनी चाहिए और ऊपर का छिलका ही आपको उतारना है। इस तरीके से जो टी है उसका हम ये जो कैम्बियम लेयर जिसे बोलते हैं, छिलका जिसे बोलते हैं, उसको इस तरीके से लूज़ कर लेंगे। और अब हमारा जो बड था, जो हमने ग्राफ्टिंग के लिए बड निकाला है इंग्लिश गुलाब का, वो इसके अंदर हम फिट कर देंगे। तो इस तरीके से नर्सरी वाले जो हैं हजारों लाखों पौधे जो हैं वो तैयार करते हैं, आप भी अपने घर पर बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसको ग्राफ्टिंग करने का जो सीज़न होता है वो अक्टूबर के महीने से लेकर आप फरवरी के महीने तक कभी भी इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पौधा भी दिखाऊंगा जो मैंने अक्टूबर में ग्राफ्ट किया था, और वीडियो के बाद आखिर में। और इस तरीके से हमने जो बड है उसको ऐसे नीचे की तरफ दबाते हुए इसको सेट कर देना है, इसके अंदर बिल्कुल फंसा देना है। तो इस तरीके से ये हमारा जो बड है इसके अंदर फंस गया है। अब इसे हम ग्राफ्टिंग टेप, या फिर ग्राफ्टिंग टेप ना हो तो आप पॉलीथीन की जो स्ट्रिप है वो काट कर उससे भी इसको एयर टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके, ये देखिए जो ऊपर की तरफ ये निकला हुआ है, इसको भी हम काट कर अलग कर देंगे। ये लीजिए, अब हमारा जो बड है वो बिल्कुल सही ग्राफ्ट हो गया है। अब हम इसको पॉलीथीन की मदद से या ग्राफ्टिंग टेप की मदद से इसको हम इस तरीके से लपेटेंगे। लपेटना बहुत टाइटली है, जितना आप टाइट लपेटेंगे उतना आपका ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और लूज़ रह गया तो फिर ग्राफ्टिंग फेल होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लपेटेंगे। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हम इस तरीके से इसको बिल्कुल टाइटली लपेटते हुए चलेंगे, और जो ऊपर का जो पार्ट है कटिंग का उसे भी इसके साथ कवर कर लेंगे, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ऊपर से ना उड़े, या कोई बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, डाई बैक की जो प्रॉब्लम आती है वो ना आए, उसके लिए हम इसको टाइटली बिल्कुल बंद कर लेंगे इस तरीके से। और ये हमने देखिए इसके अंदर दो बड जो हैं वो ग्राफ्ट किए हैं, एक येलो कलर का और एक रेड कलर का। तो इसके जो फूल आएंगे वो येलो और रेड एक ही पौधे पर आएंगे। तो ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, इसमें कोई फेक नहीं है, कोई आपको पागल बनाने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, आपको इस तरीके से लगाना है। अब दोस्तों नीचे का पार्ट जो है अब इसे भी रेडी करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा नीचे की तरफ है इसके ऊपर से इस तरीके से हम कट लगाएंगे।
कट लगा के और अंदर की तरफ जैसे आधी जो कटिंग है, आधी कटिंग इस तरीके से कट जाए, ये ऐसे देखिए, ये आपकी जो कटिंग है वो रेडी हो गई है लगने के लिए। अब लगाने के लिए हमें क्या बातें ध्यान रखनी है दोस्तों, लगाने के लिए हमें इसके ऊपर जैसे रूटिंग हार्मोन हो आपके पास तो रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप फंगीसाइड पाउडर लगा सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एलोवेरा का जो पत्ता है वो लेकर और इसका जो जेल है वो पूरी कटिंग पर इस तरीके से लगा लेंगे, और जो हमने कटिंग पोर्शन जो लगाया है रूटिंग यहीं से होगी, जो लीफ नोड है उसके नीचे से हमने काटा है, जो ये देखिए यहाँ लीफ नोड के नीचे से काटा है, तो जड़ें जो हैं यहीं से आएंगी। अब इसको हम पॉलीथीन में मिट्टी डालकर और इस तरीके से लगा लेते हैं। लगाने के तुरंत बाद ही हमें इसके अंदर पानी देना होता है, और पानी देने के बाद ये देखिए जो दूसरा पौधा है, ये मैंने इसके ऊपर तीन कलर ग्राफ्ट किए हुए हैं, वाइट, येलो और रेड, और ये मैंने अक्टूबर के महीने में ग्राफ्ट किया था, और अगली सर्दियों में यानी अगले साल तक ये बहुत ही अच्छा पौधा हो जाएगा और हमें ढेर सारे फूल भी देगा। तो देखिए मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ कि ये कैसा लगेगा देखने में। तो ये देखिए ये इस तरीके का लगेगा, बहुत ही सुंदर और अच्छा पौधा जो नर्सरी पे काफ़ी महंगा मिलता है। ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।